नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। वैसे तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन नगर निगम की अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है। पिछले 6 महीने से सीवर ओवरफ्लो से इंदिरा कॉम्प्लेक्स के लोग परेशान हैं, लेकिन ना तो सरकार के नुमाइंदे और ना ही अधिकारी इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं। वहीं जब इस समस्या को लेकर यहाँ के लोग ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय पहुँचे तो वहाँ मौजूद ओमदर और लोगों के बीच कहासुनी हो गई। इंदिरा कॉम्प्लेक्स के लोगों ने आरोप लगाया कि एक्सिन समस्या का समाधान नहीं कर रहे। कहासुनी की एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें लोग अपनी समस्या को लेकर एक्सिन से मिले और शुरुआती दौर में एक्सिन एसडीओ को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन समस्या लेकर पहुंचे लोगों का आरोप है कि एक्सिन ने वहां पहुंची महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जो कि एक अधिकारी को शोभा नहीं देता। जनक वाली गली में 6 महीने से सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। 6 महीने से? और जय साहब को फोन करता हूँ। अरे ये आदमी बता रहा है ना, जय साहब ये कहते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर योगेश मंगला, उसकी पेमेंट नहीं हुई है, उसने कर्मचारी साल कर दिए हैं जिससे कि काम नहीं हो रहा। 6 महीना से दौड़े ही हो तो 10-15 का काम था बस। अभी भी वो कल भी बात हुई है उनसे, कल भी उन्होंने यही कहा, स्पीकर लाइव से बात हुई थी, ये कहा उन्होंने कि मैं सबके ऊपर बता चुका हूँ और बंदे है नहीं, काम कैसे करूँ। आज भी वो सीवर ओवरफ्लो है, आज भी है मौके पे। आप जाके देख लो, हमारे दरवाजे पे आए आप वर्तमान वीडियो है, वीडियो है, दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स का है, जहां पर पिछले 6 महीने से सीवर फ्लो हो रहा है। गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है, लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है, बीमारियों का फैलारा है और स्कूल के लिए बच्चों को भी मुश्किलें होती हैं। वहीं एक्सियन ओम दत्त अपनी सफाई देते हुए बता रहे हैं कि उनकी भाषा ऐसी ही है, इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। रोजमर्रा के कामों के लिए लोग बड़ी मुश्किल से वहां से गुजर पाते हैं, बच्चे और बूढ़े गंदे पानी के अंदर से गुजरने पर मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक बेखबर है। राजबाला भैया, हमारे यहाँ रिश्तेदार भी आवे, वो विनू का कहाँ इतनी गंदी कॉलोनी में रह रहे हो, या तो बेका या दूर ले लो, कहीं कोई जरूरी है यहाँ पर रहना, बता क्या करे, कोई रिश्तेदार हो जब भी शर्म आवे, इतने लैटरिन बह रही है बहुत ज़्यादा, क्या करे, कहाँ जावे, फिर करेंगे करेंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा। उन्हें भी कह रहे हैं भाई अंदर आकर बात करो, फिर अंदर कौन जाएगा, है अंदर कोई जाएगा, लेडीज कोई जाएगी अंदर, है अरे तो 1.5-2 साल तो चल रही है, कुछ नहीं समाधान हुआ कुछ भी, बस लैटरियाँ मैं को जाएंगे, रिश्तेदार आएगा शर्म के मारे मरेंगे, भाई इतना शर्म आवे कोई क्या कहेगा, यहाँ जाएगा रिश्तेदार भी कहे अरे कहाँ ऐसी गंदी कॉलोनी में रह रहे हो तुम, यहाँ तो बेका है, अरे अपना कहीं और ले लो, हैं क्या करे, अरे बच्चे स्कूल जाओ, बच्चे भी गिर पड़ते जाओ। अरुण यादव नाम, देखो समस्या आपने देखी है, हम सालों से इस पानी में निकल के जाते हैं, शिविर का पानी ओवरफ्लो है, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, ये हम ही जानते हैं हम कैसे नरक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम मंगलवार को नगर निगम ऑफिस गए थे, वहाँ हमारी जो वहाँ के एक्शन है ओमदत जी, उनसे मुलाकात हुई थी, पर उन्होंने समस्या हमारी सुनी, आगे एसडीओ को बोला, लेकिन जो उनका जो व्यवहार था हमारी माताएं बहनों के प्रति वो सही नहीं था, उन्हें बहुत ही ऐसी भाषा का प्रयोग किया, तू तड़ाक जी, तो उससे हम नाखुश हुए, फिर उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुँचा और फिर उन्होंने माफ़ी मांगने गए, लेकिन माफ़ी क्या मांगी, उन्होंने अपनी सफाई पेश करी कि मेरी भाषा ही ऐसी है और मैं अपनी भाषा को बदल नहीं सकता, तो इसको अब मैं नहीं जानता कि इसको हम माफ़ी कहेंगे या अपनी पैरवी करना कहेंगे या क्या कहेंगे। समस्या का समाधान कल उन्होंने जिस दिन हम गए थे उस दिन कहा था कि सुबह से आपके पास मशीन लग जाएगी, तो कल दोपहर के बाद मशीन आई है, 2 बजे के बाद मशीन आई है, 3 चैम्बर उन्होंने साफ़ किए और आज मशीन
यहीं है और लेबर आई थी पर काम शुरू नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारा खेड़ी पुल पे जो बूस्टर लगा हुआ है, जो पंप जो पानी को खींचता है, वो आज बंद पड़ा है किसी कारण से। वो कह रहे हैं कि जी कोई काम चल रहा है इस वजह से बंद हुआ पड़ा है, जिसके कारण यहाँ का जो पानी का जो लेवल है वो कम नहीं हो पा रहा, वो लोग सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो काम रुका पड़ा है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।